नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल फैक्ट डायरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आते हैं सच्चे और अच्छे फैक्ट्स। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे देखकर आपको हंसी भी आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं में से हो जो बहाने बनाकर झूठ बोलते हैं। ऐसे ही 9 झूठों के बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं जो ज़्यादातर लोग बोलते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके सामने जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू से ही बच्चों को सिखाया जाता है, झूठ बोलोगे तो नाक लंबी होगी, झूठ बोलोगे तो कौआ काट लेगा। ये झूठ नहीं है तो और क्या है? पहला झूठ तो यही है जिसे बच्चे भी दोहराते हैं। दुनिया का हर शख्स ये कहता है कि वो झूठ नहीं बोलता, दरअसल यही सबसे बड़ा झूठ है। 1996 में यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया ने एक बड़ा सर्वे कराया था जिसके अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन में झूठ बोलता है, कुछ कम बोलते हैं और कुछ ज़्यादा। अधिकतर लोग दिन में तकरीबन 2 बार झूठ बोलते हैं। इंटरनेट क्रांति के बाद झूठ का दायरा बढ़ा है और लोग ऑनलाइन कम्युनिकेशन में ज़्यादा झूठ बोलने लगे हैं, क्योंकि इससे सामने वाले के चेहरे के भाव पता नहीं चल पाते। आज यहाँ हम बात कर रहे हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले 9 झूठ। शर्तिया, इनमें से कुछ आपने भी बोले होंगे। औरतें कभी भी अपनी सही उम्र नहीं बताती हैं। इसे झूठ ना बोलकर आदत कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि हर लड़की हमेशा अपनी असल उम्र छुपाती है। सैलरी कितनी है? जब कोई पूछता है कि भाई सैलरी कितनी है आपकी, तो सैलरी को लेकर अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं। ये झूठ एक सा नहीं रहता, कभी कोई सैलरी को ज़्यादा बताता है तो कभी कहता है यार बस चल रहा है काम, कट रही है ज़िंदगी, ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है। ऑफिस में ना जाना हो, ऑफिस से बंक मारना हो, कॉलेज से बंक मारना हो, तो 90% लोग इस झूठ को अपनाते हैं कि आज मुझे फीवर है, सर में दर्द है। छुट्टी लेने के लिए ये सबसे अच्छा बहाना है। लेडीज़ तो झूठ में सबसे आगे हैं। मनोवैज्ञानिक झूठ का लगभग हर इंसान शिकार होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक खरीदी चीज़ के दाम छुपाने में व्यक्ति आनंद महसूस करता है। कोई भी कुछ भी पूछता है, भाई कितने का लाया, तो हर कोई ज़्यादा ही बताता है। कभी भी हम कोई सब्जी या कोई भी फल खरीदने जाते हैं तो चाहे उसका फल मीठा हो या ना हो, वो अपने फल को कभी भी बेकार नहीं बताएगा। वो कहेगा बिल्कुल मीठा है साहब, ले लो गारंटी से, चाहे वो बिल्कुल फीका ही हो। हर दुकानदार फल को लेकर यही कहता आया है और यह एक शाश्वत झूठ बन चुका है। लोग बोलते हैं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, असल में यह भी दबाव में आकर बोला गया झूठ है। दरअसल जब यह झूठ बोला जाता है तभी आपको किसी ना किसी की ज़रूरत होती है। भारतीय सोसाइटी का फेमस जुमला, इसके बिना कोई फंक्शन समारोह हो और गेट टू टुगेदर पूरा ही नहीं होता, क्या करे टाइम ही नहीं मिलता। 99% लोग इस तरह के एग्रीमेंट बिना पढ़े साइन करते हैं। याद कीजिए, आपने खुद साइन किए होंगे ये कहते हुए, अब कौन इतने पन्नों को पढ़ेगा, जाने दो यार। मुझे झूठ से सख्त नफरत है, ये कहना भी दरअसल अपने आप में एक झूठ ही है। अगर आपने भी कभी कहा हो तो समझ जाइए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें, और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जिससे हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें। फिर मुलाकात होगी एक अच्छी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।